महाराष्ट्र में बगावत की एक बार फिर आ गई है स्थिति। इस रिपोर्ट में इस बारे में हम करना चाहेंगे आप सबके बीच बात। गोपाल शेट्टी ने कहा, बाहरी उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की परंपरा का विरोध करना जरूरी, इसलिए मैंने स्वतंत्र प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का लिया है फैसला। जी हां, महाराष्ट्र भाजपा में बगावत, और वो भी टिकट ना मिलने पर निर्दलीय से लड़ने का फैसला गोपाल शेट्टी का ये है। जी हाँ, बीजेपी के खिलाफ बगावत कर दी है। यहाँ पर गोपाल शेट्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ा झटका है मोदी जी के लिए। राजनीतिक रस का शेर जारी है महाराष्ट्र में, और इस बीच भारतीय जनता पार्टी के भीतर इस बगावत का कई तरह का असर पड़ेगा, पार्टी पर, पार्टी की छवि पर असर पड़ेगा, बाकियों को भी मनोबल मिलेगा इस तरह के बगावत के लिए। भगवा दल के सीनियर नेता कहलाते थे गोपाल शेट्टी, जिनको बोरेवली से टिकट नहीं मिला, इससे वो नाराज हुए और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान किया। बाहरी व्यक्ति को मैदान में उतारने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस विधानसभा क्षेत्र में जिस हिसाब से टिकट दिया गया है वो उससे बहुत नाराज है। शेट्टी बोरीवली सीट की बीजेपी के टिकट के प्रबल दावेदार हैं। उन्होंने बातचीत में कहा, बाहरी उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की परंपरा का विरोध करना जरूरी है, इसलिए स्वतंत्र प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का मैंने फैसला लिया है। चाहे कुछ भी हो मैं पीछे नहीं हटने वाला। बोरीवली से भाजपा विधायक सुनील राणी की जगह संजय उपाध्याय को टिकट दिया गया। मुंबई की इकाई के वो महासचिव हैं। इसी पर भड़क गए हैं गोपाल शेट्टी। उन्होंने कहा, मुझे तो चुनाव लड़ने में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी, मगर मेरे समर्थकों ने मुझे स्थिति की गंभीरता के बारे में बताया और फिर मैंने चुनावी ताल ठोकने का मन बना लिया। चेतावनी भरे लहजे में गोपाल शेट्टी ने कहा, आप देखिए कि पहले विनोद तांबड़े साल 2014 में यहाँ से चुनाव लड़े, फिर 2019 में सुनील राणे को मौका मिला, फिर मुंबई उत्तर में लोकसभा का टिकट पीयूष गोयल को मिला, उपाध्याय के नामांकन के साथ अब यह चौथी बार हो रहा है। भाजपा ने सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के 25 उम्मीदवारों की सूची की, जिसमें कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए दो नेताओं, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निजी सहायक को टिकट मिले हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ की रिपोर्ट।